नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूबे में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कई सख्त नियम लगाए हैं। राज्य के शीर्ष अदालत में न्यायिक कार्य भी वर्चुअल माध्यम से शुरू हो गया है, लेकिन अभी रांची सिविल कोर्ट फिजिकली माध्यम से चल रहा है, जिसे वर्चुअल करने की मांग को लेकर रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव ने न्यायिक पदाधिकारी से मुलाकात कर पत्र सौंपा है। वहीं रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने बताया कि जिस तरह से कोरोना पूरे राज्य में अपना पांव पसार रहा है, उसे देखते हुए बार ने भी कई सख्त कदम उठाए हैं। बिना फेस मास्क के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश बार भवन में नहीं होने दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के बार भवन में पकड़ा जाता है तो उसे 100 रुपए दंड शुल्क के रूप में वसूला जाएगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी से मुलाकात कर कोर्ट को वर्चुअल माध्यम से चलाने की मांग की गई। जिस तरीके से कोरोना अपना पांव पसार रहा है और लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, हमने एक निर्देश परसों अपने अधिवक्ताओं के लिए डाला था, जिसमें हमने आग्रह किया था कि उन लोग जो है कोरोना का जो भी नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको अक्षरशः पालन करें, भीड़ से बचने का काम करें, और वैसे मोकिलों का जिनका की जरूरत नहीं है तत्काल में, उनसे परहेज करें बुलाने के लिए, और 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें। हमने एक और निर्देश किया था कि कोई भी अधिवक्ता, चाहे कोई भी मोकिल, चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे बार भवन में बिना मास्क का अगर आएगा तो उसको हम दंड के रूप में 100 रुपया उससे चार्ज करेंगे और उससे मास्क खरीद कर उसको वितरित करने का काम करेंगे। तथा कल हम लोगों ने न्यायुक्त महोदय से मिलने का काम किया था, अध्यक्ष महोदय भी साथ में हमारे थे। हम लोगों ने एक पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि ये वर्चुअल मोड जो है 15 दिन के लिए कम से कम व्यवहार न्यायालय में कर दिया जाए, जिससे कि संक्रमण जो बढ़ता है, जो छुआछूत के साथ से, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ता है, उसका चेन तोड़ने का हम लोग काम करें। और ये पत्र जो है हमारा अनु न्यायुक्त महोदय ने जो है उसको फॉरवर्ड करके रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश जी के पास में भेज दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस पर तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि झारखंड हाईकोर्ट में पूर्ण रूप से जो है वो वर्चुअल कर दिया गया है। पहले अल्टरनेट डे था, और कोडरमा कोर्ट को भी, जो व्यवहार न्यायालय, देखिए जो कोडरमा और रांची दोनों में जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट किया था, और कोडरमा में संज्ञान लेते हुए वहाँ वर्चुअल कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जान माल से ज़्यादा कुछ नहीं होता।